वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजीव मल्होत्रा जी का पूरा साहित्य सनातन हाट पर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो नई बुक है स्नेक्स इन द गंगा जो 895 की है वो हमने केवल 720 रुपए में उपलब्ध करवा दी है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की दो विशेष और सबसे महत्वपूर्ण खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। पहला, सानिया मिर्जा 2010 से पहले भारतीय हिंदुस्तानी युवाओं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनके दिलों की धड़कन बनकर के धड़कने वाली सानिया मिर्जा, आखिरकार उनका 12 साल के बाद में तलाक हो चुका है। और ये अंदर की खबरें हैं, इस पर हम थोड़ी सी और चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में निकाह का मतलब विवाह या सात जन्मों का संबंध नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है FUCK, अर्थात जिसको कि आप लोग बहुत ही गलत मानते हैं, अपने मुंह से निकलने वाला शब्द। वैसे तलाक होना, किसी का विछोह होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शब्द का अर्थ समझाना यहां पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस वर्ल्ड कप मैच को, फाइनल को पाकिस्तान ने जीता था और भारत भी सेमीफाइनल से बाहर हो गया था, और इंग्लैंड के साथ में पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ था। यानी कि यह जो सेमीफाइनल से जीत करके फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा है, यह अल्लाह के फजलो करम से पहुंचा है। और ठीक उसी प्रकार की लय ताल सुर यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से बाणवे में दिखाई दे रहे थे। अल्लाह चाहता था कि पाकिस्तान की टीम जीते और पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के सब खिलाड़ी कह रहे हैं। वैसे मैंने 7 तारीख को ही जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का, ये जो उठापटक यानी कि उलटफेर जो हुआ है सबसे बड़ी, ये हुई है इस वजह से, इस कारण से, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, चाहे वो किसी के भी फजलो करम से पहुंचे। अब देखिए, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि इंडियंस भी काफी मुस्लिम क्रिकेटर्स रहे हैं, भारत ने भी वर्ल्ड कप भी जीता है, कई सारी ट्रॉफीज भी जीते हैं, सीरीज भी जीती हैं, और बहुत सारे मैचेस में मुस्लिम भारतीय क्रिकेटर्स को मैन ऑफ द मैच भी रखा गया है, मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं। लेकिन उनके मुंह से कभी इस तरीके की अल्फाज नहीं निकलते हैं कि अल्लाह मुझसे चाहता था, अल्लाह हमसे चाहता था, अल्लाह के फजलो करम से हम जीते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है, अल्लाह प्लानर है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से रजा जो वहां का क्रिकेटर है वो ट्वीट करके कह रहा है कि अल्लाह खुद प्लानिंग करता है। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह जिनको की 72 हूरे प्रदान करने, शराब के दरिया बहाने और काफिरों की गर्दन रेतने वालों को जन्नत अता फरमाने का कार्य, अब तक मैंने यही सुना था, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तानियों का जो अल्लाह स्पेशल अल्लाह है उसको क्रिकेट भी पसंद है, और खास करके T20 में वो बहुत दमखम लगा करके, पाकिस्तानियों के अनुसार पूरे दमखम लगा करके क्रिकेट में लगा हुआ है। वैसे देखना ये होगा कि अभी अपने अब्बा जान से पिछले मैच के दौरान पिटाई होने के बाद में पाकिस्तान की जो भरपाई है वो हो पाई है अथवा नहीं है, या फिर डबल बेइज्जती करवाने के लिए वो अब दोबारा से फाइनल में पहुंचेगा, या फिर अल्लाह ने पहले से पहले ही वो प्लानिंग कर रखी है जो कि 1992 में हो रखी थी, 30 साल के बाद में ठीक वैसा ही दोबारा से जो पास्ट है वो दोहराने जा रहा है, अथवा यहां पर कोई बड़ी उलटफेर होने वाली है। मैं वापस से उसी खबर पर आता हूं जिसको कि बहुत सारे भारतीय हिंदू और मुसलमान युवा समाज के लौंडे लफाड़े जो हैं वेट कर रहे थे। खबर यह है कि अंदरूनी खबर यह है कि उनके परिवार से अंदर से आने वाली खबर यह है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक हो चुका है। तलाक हुआ है निकाह के बाद में, और निकाह का अर्थ मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। तो यहां से बात यह आती है भाई कि भाई शोएब मलिक ने यह तलाक क्यों लिया है। इसका कारण हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सानिया मिर्जा बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा परेशान थी, और उन्होंने पिछले दिनों अभी एक स्टेटस भी डाला था और उन्होंने कहा, उसमें पूछा था अल्लाह से कि या अल्लाह, जिनका दिल टूट जाता है वो कहाँ जाते हैं।
तब सातवें आसमान से तो कोई आवाज नहीं आई थी, लेकिन हमारे खुफिया सूत्रों के अनुसार आचार्य अंकुर आर्य जी के पास में ये खबर आई थी साढ़े सातवें आसमान से कि इन लोगों का हलाला ही होता है। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बहुत सारे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हलाला केवल और केवल तब होता है जब शोएब मलिक तलाक देने के बाद में उनको स्वीकार कर ले और कह दे कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन भारत पाकिस्तान इनके बीच में जो क्रिकेट का जो संबंध है उसमें हमने देखा है कि भारतीय मुसलमान जो हैं काफ़ी बार खुश हो जाते हैं और फाइनल में पहुंचा है तो बहुत सारे लोगों के दिल गदगद भी होंगे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप भले ही उनके लिए कितनी भी तालियां पीट ले, कितने पटाखे फोड़ ले, कितना उनका झंडा फहरा दें और उसके बाद में योगी महाराज के प्रदत्त पुलिस के द्वारा आपकी तशरीफ पीट पीट करके भले ही कितनी बार टमाटर जैसी लाल या बैंगन जैसी नीली कर दी जाए, लेकिन हलाला का जो हक है वो भाईचारे या फैन होने के नाते आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हालांकि काफ़ी सारे मुस्लिम लोगों ने इस प्रकार की डिमांड भी उठाई है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हमने आपके यहाँ पर जय जयकार भी की है, हमने आपकी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं, आपके जीतने के बाद में हमने जश्न भी मनाया है, पटाखे फोड़े हैं, आतिशबाजियाँ की हैं, यही नहीं यहाँ की फांसीवादी सरकार जो कि आपके नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है उसके हमने डंडे भी खाए हैं और जेल भी खाई है, उसके बावजूद आपने हमें यह मौका क्यों नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रकार का कोई भी मौका भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तीन बार कह दिया, इसका मतलब नहीं दिया है। अर्थात ये हुआ कि अगर वो इनको एक बार भी वापस से एक्सेप्ट ना करें तो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे और किसी को भी इस प्रकार का जो यानी कि हलाला जो प्रक्रिया है इसका अधिकार प्राप्त नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि भाई शोएब मलिक या फिर सानिया मिर्ज़ा इन दोनों का जो निकाह है वो हुआ किस प्रकार से था और क्यों इनका विछोह हो रहा है, ये मुख्य बिंदु है। शोएब मलिक इससे पहले भी निकाहधारी थे और पहली वाली को तलाक देने के बाद चौथे दिन ही नया निकाह रच लिया था। अर्थात इनका पहले भी निकाह हो रखा था, अभी इनके साथ में हुआ था और अब पूरी पूरी उम्मीद है कि शोएब मलिक एक किन्नर यानी कि एक ट्रांसजेंडर के साथ में निकाह करने वाले हैं। यह जो किन्नर है यह पाकिस्तान के अंदर अत्यंत बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके कुछ कुकृत्य ऐसे रहे हैं जिनके कारण से जो सानिया मिर्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। पिछले वीडियो में हम ये बात बताना भूल गए थे कि यह जो ट्रांसजेंडर है ये शोएब मलिक के घर में ही रहा करता है और कई बार इसने सानिया मिर्ज़ा की ड्रेस यानी कि जो महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके उन्हीं के बेडरूम में जा करके शोएब मलिक के साथ में खूब डांस किया, जैसे कि वो डांस करते भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने उसके साथ में खूब सारी पिक्चर्स भी ली। पिक्चर्स लेने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है डाल दिया, अपलोड कर दिया और सानिया मिर्ज़ा ने सारे के सारे फोटोज़ पिक्चर्स देख लिए। गलती हर इंसान से होती है, लगा कि शोएब मलिक से भी गलती हुई है, लेकिन शोएब ने इसको अपनी गलती नहीं माना और लंबे अरसे के बाद में एक लंबी लड़ाई के बाद में दोनों ने फैसला किया कि दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो मामला है वो मामला गिलमे के बीच में फंस गया है। अर्थात ट्रांसजेंडर जो है उसको एक गिलमे के टाइप भी बोला जा सकता है पाकिस्तान, या फिर कहिए कि इनके मजहब के अंदर गिलमों को बहुत महत्व भी दिया गया है। इस्लाम में जन्नत के अंदर जो है मिलते हैं गिलमे, तो इसके चक्कर में उसने सानिया मिर्ज़ा को दिया है छोड़। तो भाई अब मैं ये क्यों कह रहा था कि भारतीय जो ठल्ला समाज है चाहे वो हिंदू लड़के हों चाहे वो मुसलमान लड़के हों उनके लिए खुशखबरी क्यों है, क्योंकि सबकी इच्छा थी और मैंने 7 तारीख को भी ये बात बताई थी कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे अंदेशे अभी से हमें लग रहे हैं क्योंकि भारतीयों ने क्रिकेट देखना कर दिया है बंद और जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात आएगी तो तनातनी हो जाएगी और दोनों देश को मिलाकर के जो 160-170 करोड़ जनता है यानी कि भारत कहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सबकी नज़र इसी पर रहने वाली है और पूरे विश्व की नज़र इन मैचेस पे जरूर रहने वाली है। इनके अंदर दोबारा से क्रिकेट मैच का जो एक तरीके से कहिए जहर है उसको जिंदा करने के लिए ये काम तो आईसीसी को करना ही पड़ता।
तो ठल्ला समाज इस वजह से खुश है कि भारत पाकिस्तान का फाइनल भी हो सकता है। ठल्ला समाज इस प्रकार से भी खुश है कि आखिरकार एक बार फिर से सानिया मिर्जा सिंगल हो चुकी हैं, भले ही वो डाइवोर्स ही हों। इस ठल्ले समाज का क्या ही कहना। इस ठल्ले समाज से मेरी बार बार यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग कृपया कुछ क्रियात्मक कीजिए। क्रिकेट और इस प्रकार के जो तलाक वलाक जो होते रहते हैं, इन पर ज़्यादा विश्वास ना कीजिए, आगे बढ़िए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच किन किन के बीच में होगा और उसका क्या रिजल्ट रह सकता है? सानिया मिर्जा के विषय में भी हमें अवश्य बताएं। बहुत सारे लोगों ने कहा ई तो साला होना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि हमारा यह संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।